हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नौशाद आलम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का नौशाद आलम क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के थ्रू आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस लगातार प्रोवाइड की जा रही है ना। और हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है और साथ ही साथ हम लोग इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स के अंदर में हम लोग इंटीग्रेशन नामक टॉपिक में इंटीग्रेशन का हम लोग सोल्यूशन भी कर रहे हैं। तो हमारा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक एनसीईआरटी का हमने 7.3 तक सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जहां पे हमारा 7.4 का सोल्यूशन आज कंप्लीट मैं कराने वाला हूं आपके सामने, है ना। और ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है जहां पे कुछ कंसेप्ट है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, है ना। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स सबसे पहले ले सकें और मेरी सारी क्लासेस का आप बेहतरीन तरीके से आप आनंद उठा सकें। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ही बेसिकली, सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूलों की, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं जो हम लोग आज के इस टॉपिक में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में, यानी आपके जो बिहार बोर्ड है या फिर सीबीएसई जो भी है, है ना, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, ठीक है। और उससे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। पीछे के क्लासेस में मैंने आपको इसका डिस्कशन भी किया हुआ है, कैसे फॉर्मूला आता है उसका मैंने पूरा फुल टू डिस्कशन करके वीडियो आपको प्रोवाइड पहले ही मैंने करा चुका है ना। वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा फॉर्मेट अगर आपको होगा तो उसका सूत्र होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मेट दिखे तो इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। अगला वाला है हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका होता है लॉग ऑफ x log mod x plus root under x square plus a square, ठीक है। सेम क्वेश्चन और सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे आपको लगेगा माइनस और फॉर्मूला आपका अगला वाला ये है x square minus a square का, ठीक है। आगे देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा फॉर्मेट हो dx upon x square minus a square का, पहले हमने देखा x square plus a square, अगर आपको माइनस वाला हो तो ये फॉर्मूला होता है आपका 1 by 2 है log x minus a upon x plus a, 1/2 है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आप इस फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो बने उससे आपको सारी चीज़ स्पष्ट हो जाए कि कैसे हमारी क्वेश्चन बन रही है। और ये फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो डायरेक्टली आपको एक नंबर आपके खाते में चला जाएगा, अगर मैं बात करूँ इसके बारे में तो, ठीक है। आगे है हमारे पास dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पहले क्या था x square minus a square, अब यहाँ पे है a square minus x square, सूत्र क्या होता है 1/2 log a plus x upon a minus x, ठीक है। नीचे यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला a square minus x square, यहाँ पे कोई बट्टा में नहीं है, सिर्फ लिखा है a square minus x square, तो इसको कैसे करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला बनता है x by 2 root under a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x by a। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आया होगा, अगर आपने मेरी क्लासेस पहले ले रखा हुआ है तो ये सारा का सारा डेरिवेशन मैंने आपको क्लास में प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे नहीं, अगर आपने अगर लिखा हुआ है कॉपी पे तो आप इसे नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे 7.4 का 1-2 जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेगा आज हम लोग उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, तब तक हम इसे रफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके एनसीईआरटी का 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है जरा समझते हैं, क्वेश्चन कैसा है और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है 3x स्क्वायर अपॉन x का पावर 6 प्लस 1। तो आपने मेरी क्लासेस अगर ज्वाइन की होगी स्टार्टिंग से, अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं तो वहां पे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं क्या, हम लोग कुछ मान के और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, इसमें हम वैसा ही इस्तेमाल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का ही प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझिए जरा सा। और ट्राई करेंगे कि कोई ना कोई फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ा देर पहले आपको लिखा हुआ था वो कोई ना कोई फॉर्मूला उस पर जाकर सेट हो जाए। तो देखिए जरा कैसे करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि कैसे इसको सेट किया जाएगा। 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर रहने देते हैं, x का पावर 6 को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब और उसका स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x का पावर 3 का स्क्वायर यानी x का पावर 3 गुना का 6 हो जाएगा। अब
ऊपर में लिखा 3x2, तो फॉर्मूला सेट करने के लिए हमको अंदर वाले वैल्यू को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। एक्स क्यूब इक्वल टू क्या करा हमने, टी माना, है ना। एक्स क्यूब को जब टी मानेंगे तो अगला स्टेज हमने पढ़ा हुआ है आपको विस्थापन में कि एक जब कोई भी वैल्यू को टी मानते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपको 3x का स्क्वायर और ये क्या बनेगा आपको, dt अपॉन dx, यही बनता है, आपने सीखा भी हुआ है, t का x के सापेक्ष, तो dt बटा dx बनेगा। अब इसको क्रॉस कर लेंगे, dx इंटू 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा, है ना। और यहां से किसका वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से हम dx का वैल्यू निकाल लेंगे, dx का वैल्यू आएगा dt बटा कितना 3x स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। यहां से हमने किसका वैल्यू निकाल लिया, dx का वैल्यू निकाल लिया, dt बटा 3x स्क्वायर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, इसको लिखते हैं 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, नीचे में x का पावर 6 था, तो x का पावर 6 को हमने कैसा लिखा हुआ है, x का क्यूब का स्क्वायर, तो इसको t मान लिया, तो ये क्या बनेगा आपको, ये बन जाएगा आपका t का स्क्वायर, अब प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर रहेगा ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, dx के बदले में अब हम क्या लिखेंगे, जब वैल्यू हमारा t में आ रहा है तो dx के बदले में dx का वैल्यू लिखेंगे dt बटा 3x स्क्वायर। अब यहां पे आ जाएगा dt अपॉन में कितना 3x स्क्वायर, आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो चुका है, बचा क्या, बचा आपके सामने dt अपॉन में कितना t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही बचा ना। तो अब आप फॉर्मूला पढ़े, आपको याद दिला देते हैं थोड़ा सा, है ना, फॉर्मूला है आपका dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a अब प्लस कितना होता है c होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। जब हम dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, 1/a tan इनवर्स x/a। अब जरा समझिएगा, अब ये बन गया x स्क्वायर और ये बन गया a स्क्वायर, तो x स्क्वायर इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, प्लस में ही है, है ना। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/a, a कितना है 1 है, tan इनवर्स x/a, x कितना है t है, अब बट्टा में कितना आएगा, a का वैल्यू 1 और प्लस कितना c, अब 1 तो है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ 1/1 क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना, तो tan इनवर्स का tan इनवर्स, और t किसको माना हमने, t माना हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में x क्यूब को, यहाँ हमने माना है t, तो अब x क्यूब के जगह पे हमने t माना है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा c, तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। कैसे किया हमने, सबसे पहले क्वेश्चन को एडजस्ट किया फॉर्मूला पे सेट करने के लिए, x का पावर 6 को बनाया हमने, एक्स क्यू का स्क्वायर, एक्स क्यू को माना t, डिफरेंशिएशन किया और किसका वैल्यू निकाल लिया, dx का वैल्यू निकाल लिया, जहां पे dx था क्वेश्चन में लाके हमने रख दिया है, पूरा का पूरा सिस्टम हो गया है dt के अंदर में, तो dt का इंटीग्रेशन अब बन गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सूत्र होता है हमारा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a, हमने वहां पे फॉर्मूला लगाया जहां t था t का वैल्यू पुट आउट कर दिया है, और ये आपका सामने आपके आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आराम से क्वेश्चन को नोट आउट कर ले और या फिर इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम इसे रफ करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिख रहा होगा बोर्ड पे, है ना। ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है dx अपॉन रूट अंडर 1 + 4x2, dx अपॉन रूट अंडर 1 + 4x2। तो अब ये रूट वाला वैल्यू है तो कोई ना कोई हमारा ऐसा फॉर्मूला होगा जो रूट वाले कंसेप्ट पे आपका सेट होगा और वहां से हम क्वेश्चन को करेंगे डील। चलिए जरा देखते हैं इसको, जरा सेट करने का प्रयास करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको dx का dx लिखेंगे, नीचे आ जाइए, रूट अंडर 1 को 1 रहने देते हैं, प्लस 4x को क्या लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4x को हमने लिख दिया 2 और x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, यानी बेसिकली हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हमारा ऐसा कुछ बन गया। ये अगर हम इसको 1 का स्क्वायर बना दे तो ये क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ फॉर्मूला याद करिए जरा सा, dx अपॉन है ना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र होता है लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर और प्लस कितना सी, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसको वाले कंसेप्ट से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे 2x है तो x के साथ हमको कोई भी नंबर प्लस में माइनस में नहीं चलेगा, हम उसको या तो एक सिंपल फंक्शन में t में सेट कर ले, z में सेट कर ले, जिसमें चाहे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। तो इस 2x को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मानेंगे, एज्यूम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 2x को क्या मान लिया जाए, 2x को t मानते हैं ताकि हमारा फंक्शन जो है सिस्टम ऑफ फॉर्मूले पे जाके सेट हो जाए, ठीक है। तो हमने 2x को यहाँ पे मान लिया है t, चले आगे बढ़ते हैं। तो 2x को t माना, डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt बटा dx। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं dx का मान कितना आएगा, dt बटा कितना 2, यहाँ से हमने निकाल लिया dx का वैल्यू dt बटा 2। अब बढ़ते हैं सवाल में, तो सवाल हमारे पास जो था उसको देख लेते हैं, dx के जगह पे लिख देंगे dt बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा dt, अब बट्टा में 2 तो 2 आ गया इधर नीचे, और नीचे में क्या होगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2x को माना है t तो ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, है ना। तो अब ये पूरा सिस्टम किस में आ गया, t में आ गया, 2 नीचे में है तो 2 को बाहर कॉमन कर लेते हैं, 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट अंडर 1 का स्क्वायर अब प्लस कितना t का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले पे देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगेगा आपको 1/2 का 1/2 रहेगा, log का log mod of x के जगह पे क्या यूज होगा t इस्तेमाल होगा, t रूट अंडर 1 स्क्वायर अब प्लस कितना t का स्क्वायर, फॉर्मूले पे हमने इसको कर दिया सेट। तो जो हमारा फॉर्मूला था हमने इसको कर दिया है सेट। तो अब 1/2 का 1/2 रहेगा, log है तो क्या रहेगा, log है तो आपका log बना रहेगा, है कि नहीं, और मोड है तो मोड, t किसको माना हमने, t माना 2x को, तो t जहां होगा वहां पे 2x और रूट अंडर ये जो है आपका 1 प्लस t स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, t स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो यहां वाला जो वैल्यू होता है, आप एक चीज दिमाग में डाल दें, आपको 1 प्लस t स्क्वायर है चाहे कुछ भी आ जाए, रूट वाला वैल्यू जो है जो क्वेश्चन होता है वही हमारा होता है स्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पे क्या आने वाला है आपका 1 प्लस 4x का स्क्वायर अब प्लस का क्या हो जाएगा c, और ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। तो आई होप अगर सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आती है, अगर आपने पीछे के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे स्टार्टिंग के जो इंटीग्रेशन वाले पीछे के जस्ट और 2-3 लेक्चर हैं उसको देख लें, ताकि ये कैसे फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं वो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बढ़ते हैं आने वाले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और क्वेश्चन के कंसेप्ट को भी हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिखा है dx अपॉन रूट अंडर 2x 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है 2 - x का होल स्क्वायर, क्या इसको होल स्क्वायर को ब्रेक करें या फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, है ना। तो अलग अलग तरह से आपके दिमाग में आ सकता है सवाल कि ब्रेक किया जाए ना किया जाए, है ना, उसके बाद क्या क्या करा जाए। तो एक चीज आप देख सकते हैं, अगर हम इस पूरे को ऐसा कुछ कर लें कि t मान लें अंदर वाले को, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 1 स्क्वायर बना ही रहेगा। तो अब देखिए जरा, हम जरा देखते हैं इस अंदर वाले वैल्यू को मान लेते हैं 2 - x को मान लेते हैं t, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस का 1 इक्वल टू टी का होता है डी टी अपॉन डी एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये जानते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्रॉस किया जाए तो डी एक्स हो जाएगा इधर माइनस का, और ये क्या होने बनेगा डी टी बनेगा। अब डी एक्स माइनस का हो गया तो डी एक्स का वैल्यू हमको निकालना होता है, तो डी एक्स क्या बनेगा माइनस का डी टी आपका बन जाएगा, डी एक्स जो है माइनस इधर शिफ्ट कर दिया हमने, बना दिया माइनस का डी टी। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जाएंगे तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहां डी एक्स है वहां लगाएंगे डी टी। अब डी टी है क्या, डी टी माइनस का है तो माइनस को निकाल देते हैं बाहर, माइनस डी टी था माइनस कर दिया बाहर। नीचे रूट अंडर 2 - x को माना हमने क्या टी, तो ये टी स्क्वायर बनेगा, 2 - x को हमने टी माना हुआ है तो ये क्या बन जाएगा आपका टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा और आगे क्या, प्लस 1 है तो प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टी स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब हमने ऐसा लिख दिया तो अभी अपने फॉर्मूला हमने पिछला वाला क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ये लिखेंगे माइनस है तो माइनस और लॉग आएगा इसमें और मोड ऑफ टी प्लस रूट अंडर कितना टी स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर अब प्लस क्या बनेगा सी, यही बनेगा ना, दूसरा कुछ तो बनेगा नहीं, क्योंकि सूत्र होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का लॉग एक्स
प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ टी था, हमने टी जहां जहां एक्स होता है वहां लगा दिया, बाहर माइनस था, बाहर माइनस लगा हुआ है। अब टी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का लॉग टी की जगह पे क्या आने वाला है, टू माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे माना हुआ है टी को टू माइनस एक्स, तो हमने यहाँ पे लॉग के जगह टी के जगह पे लगा दिया टू माइनस एक्स। अब टू माइनस एक्स आ गया, प्लस है तो प्लस, ठीक है, रूट अंडर प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है, रूट अंडर है, तो रूट अंडर लिख दिया जाए। रूट अंडर लिखा है टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, था टी कितना है टू माइनस एक्स, तो यहाँ लिखिए टू माइनस एक्स, और इसका क्या बनेगा स्क्वायर, अब प्लस किसका, वन का स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, अब प्लस क्या सी, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। लेकिन आप क्वेश्चन में जब क्वेश्चन का आंसर देखने जाइएगा तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाइएगा। कन्फ्यूज होने का अर्थ क्या हुआ, कन्फ्यूज इस वजह से हो जाएंगे क्योंकि आंसर ये ऐसा दिया नहीं है, ठीक है, हालांकि आंसर इतना ही आ रहा है लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, आंसर इतना दिया नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलते हैं, बैक जरा समझिएगा। आपने ये पढ़ा होगा लॉग ए बट्टा बी, है ना, लॉग ए बट्टा बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये जानते हैं ना, लॉग ए बट्टा बी जो होता है आपका, लॉग ए अपॉन बी जो हम लोग लिखते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दें, कैसा कहने का मतलब, अगर हम ये आंसर जो हमारा है इसको हम ऐसा लिख दें, एक के बट्टा में ये पूरा का पूरा, यानी टू माइनस एक्स, है ना, प्लस रूट अंडर कितना, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दिया जाए तो फिर रहने देते, बाद में ब्रेक करेंगे, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना, वन का वन, और प्लस क्या हो जाएगा सी। अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा इसका इसमें और इसमें, फर्क जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले वैल्यू को हम ए मानते हैं, ऊपर वाले वैल्यू को ए मानते हैं और नीचे पूरा जितना लिखा है सबको बी मानते हैं, तो सूत्र अगर लगाएं लॉग ए माइनस बी का, अब इसमें सोच रहे हो माइनस कहाँ चलाएगा, माइनस आएगा आपको दिखेगा, माइनस अभी तुरंत माइनस हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दें क्या, लॉग ए माइनस बी, तो ये क्या लिखेंगे, लॉग वन, अब माइनस का क्या, लॉग ये नीचे वाला पूरा लिखेंगे, यानी टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, ये आपका बनेगा टू माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, अब प्लस किसका, वन, अब प्लस कितना बनेगा सी बनेगा। अब आप ये भी जानते हैं कि लॉग वन जो होता है, लॉग का जो वन का वैल्यू होता है वो होता है जीरो, अब ये बन जाएगा जीरो और इसमें लग जाएगा क्या, माइनस का लॉग ऑफ कितना, टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब प्लस का कितना, वन, और ये प्लस क्या हो जाएगा सी। अब एक चीज बताइएगा हमको, बाहर में जीरो है तो इस जीरो का कोई महत्व है क्या, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, जीरो से हमको कोई लेना नहीं है, तो क्या ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों में कोई फर्क है क्या, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसी आंसर को हम ऐसा लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉग, तो ये बन जाएगा क्या आपका, ये आपका बन जाएगा आंसर। तो अगर आपको समझना है ये कैसे आंसर आया है, तो हम आपको अभी बताया आपने कि लॉग ए बटा बी को ऐसा लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूजन वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, है ना। अगर आपको कंसेप्ट पता है, सारे के सारे कंसेप्ट अगर आप समझते हैं तो सवाल में कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इस चीज़ को हमने कैसे लिख दिया, ऐसे क्यों लिखा जी, क्योंकि लॉग ए बटा बी ऐसा होता है। अगर हम ऐसा भी लिख दें तो ये वाला चीज़ भी यही लिखा हुआ है यहाँ, जैसे हमने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, आराम से इसे स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे नोट कर ले, उसके बाद हम इसे अब रफ करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चार आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, पिछला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कैसे वहाँ पे हमने लॉग इस्तेमाल किया, कैसे क्वेश्चन को डील किया। आप आंसर को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो क्वेश्चन का आंसर भी आप जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आंसर में तब्दील करना है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे वैसे ही किया, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार क्या है, क्वेश्चन नंबर चार लिखा है नाइन रूट अंडर नाइन माइनस पच्चीस का एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर इसको बनाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन पच्चीस एक्स स्क्वायर हमको नहीं चाहिए। कोई भी फंक्शन अगर आपको बनाना है, फॉर्मूले पे सेट करना है, तो वहां पे कोई नंबर गुना में नहीं होना चाहिए, या तो वो कम्प्लीटली या तो टी का स्क्वायर हो या फिर एक्स का स्क्वायर हो, तो वहां पे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चन हम डील करते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं कैसे, पहले लिखने का तरीका समझिए, ठीक है। रूट अंडर नाइन को लिख सकते हैं क्या हम, थ्री का स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, थ्री का स्क्वायर नौ होता है, माइनस पच्चीस है तो इसको लिख सकते हैं फाइव एक्स, और इसका क्या होल स्क्वायर, ये आप जानते हैं, नाइन का स्क्वायर और पच्चीस को लिख दिया हमने फाइव एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे,
अब ये बन रहा है ए स्क्वायर, लेकिन ये एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा है, अकेले एक्स होता तो हम एक्स स्क्वायर ले लेते, लेकिन ये गुना में क्या है, फाइव है। तो अब यहीं पे आपको करना होगा टी मानना पड़ेगा और यहाँ पे आपको विस्थापन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए फाइव एक्स को मान लेते हैं टी, फाइव एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक है। तो अगर फाइव एक्स को टी मानते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए फाइव एक्स को माना टी, डिफ्रेंसिएशन कितना बनेगा फाइव, और टी क्या बनेगा डी टी बटा डी एक्स, और यहाँ से आप जानते हैं डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी एक्स आ जाएगा डी टी बटा कितना पाँच। एनी डाउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पे हमने किया डी एक्स का फाइव एक्स का डिफ्रेंसिएशन फाइव और टी का डी टी बटा डी एक्स, और डी एक्स का वैल्यू हमने निकाल लिया डी टी बटा पाँच। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा इस चीज को, डी एक्स डी टी बटा पाँच आ चुका है ना, तो जहाँ पे डी एक्स होगा वहाँ लिखेंगे डी टी, अब बट्टा में पाँच है तो पाँच कहाँ आ जाएगा जी, पाँच आ जाएगा बाहर, तो हमने पाँच को पूरा बाहर निकाल लिया, ठीक है, पाँच जो है आपका बाहर आ जाएगा, तो हमने पाँच को कर लिया बाहर। तो अब पाँच जब बाहर आ चुका है तो बच क्या गया, रूट अंडर थ्री का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे रूट अंडर थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर अब माइनस, इसको माना हमने टी, तो ये क्या बन जाएगा टी का स्क्वायर बनेगा ना। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको सबसे पहला फॉर्मूला जो लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस का सी, यही फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में करके बताया था, ठीक है। तो बढ़े आगे, क्या वैसा दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसे, तो वहां पे हम लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझिएगा इस चीज को, वन बाय फाइव का वन बाय फाइव है ना, ये आपका बना डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लगा दे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना है टी है, बट्टा में ए आएगा, ए कौन है ए थ्री है, अब प्लस का क्या हो जाएगा सी, है कि नहीं, वन बाय फाइव का वन बाय फाइव, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, टी को क्या माना हमने, टी जो माना है वो लाके रख देंगे, टी हमारे पास यहाँ पे है फाइव एक्स, तो यहाँ पे आने वाला है क्या फाइव एक्स, और बट्टा में कितना आ जाएगा थ्री, और प्लस का क्या हो जाएगा सी, और ये आपका बन जाएगा आपका एक बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन का बहुत ही शानदार सा आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या बना हमारा, नाइन माइनस पच्चीस एक्स स्क्वायर था, हमने इसको सेट किया और आपके सामने आपका आंसर यहाँ पे मौजूद है। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला को याद रखेंगे ताकि आपकी कोई भी कंसेप्ट जो है, कोई तरह का क्वेश्चन जो आपका आता है वहाँ पे आप फंसे ना, फॉर्मूला याद रखेंगे ऑलवेज आगे निकलेंगे, नहीं याद रखेंगे दिक्कत होगा, क्वेश्चन को नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे उतार लें आराम से, ठीक है, फिर हम इसके करेंगे रफ। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पांच क्या कर रहा है, थ्री एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स का पावर फोर, ठीक है, इसको करते हैं डी, कैसे करेंगे इसका शुरुआत, तो सबसे पहले उसी के बारे में हम सोचेंगे। तो यहाँ टू एक्स का पावर फोर है, तो ट्राई करेंगे कि इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा हम बना दे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा बना दे, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, समझिए थ्री एक्स का थ्री एक्स, नीचे में वन है तो वन को वन रखते थे, वन स्क्वायर कर सकते हैं क्या इसको, प्लस अब यहाँ पे टू ही चाहिए तो हम ले लेते हैं रूट अंडर टू, कोई दिक्कत क्या, इसको हमने ले लिया रूट अंडर टू है ना, और एक्स का पावर फोर है तो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और इसका क्या स्क्वायर चलेगा क्या, आप देखिए कैसे हमने लिखा है इसको, रूट टू का स्क्वायर होता है टू, एक्स का स्क्वायर है उसका फिर से स्क्वायर कर दिया, बन जाता है पावर का फोर, इसमें आपको नो डाउट होना चाहिए है ना, रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू, और एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर एक्स का पावर फोर। बढ़े आगे, रूट टू एक्स को क्या मानेंगे, रूट टू एक्स को हम लोग मानेंगे यहाँ पे अब टी सेट करने के लिए, तो अब मान लेते हैं रूट अंडर केवल टू एक्स नहीं है, टू एक्स स्क्वायर है, इसको क्या मान लिया हमने टी मान लिया, तो आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन, रूट टू तो कोई बदलेगा नहीं, ये वैसे ही रह जाएगा है ना, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या होता है टू एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, और टी का कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे कितना आ जाएगा डी टी अपॉन टू रूट टू एक्स, नहीं आएगा क्या, टू इंटू रूट टू, टू रूट टू, और एक्स है तो एक्स, और डी टी के बट्टा में ये सब चला आएगा। बढ़िया, आगे देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन यहाँ पे वन है तो वन का स्क्वायर आने देते हैं, वन का स्क्वायर प्लस इस पूरे को माना टी, तो ये बनेगा कितना टी स्क्वायर है ना, तो डी एक्स है तो डी एक्स के जगह तो डी टी डी एक्स का वैल्यू रखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में क्या था ऊपर में था हमारा थ्री एक्स, तो थ्री एक्स हमने रखा, और जहां डी एक्स था वहां पे हमको ला के रखना पड़ेगा डी एक्स का वैल्यू, तो डी एक्स का वैल्यू है आपके सामने डी टी अपॉन टू रूट टू और एक्स, ये आपका dx का
वैल्यू है dt अपॉन 2 रूट 2x। अब बताइए क्या कट रहा है यहाँ पे, यहाँ से x से x कट गया है ना, 3 जो है कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, 2 रूट 2 कांस्टेंट है ये भी बाहर निकल जाएगा, निकलेगा ना 3 निकल जाएगा और 2 रूट 2 कांस्टेंट है ये आपका बाहर निकल जाएगा। अब दोनों निकाल लिया हमने, 3 भी निकाल लिया 2 रूट 2 भी निकाल लिया, तो बच क्या रहा है आपके सामने, बच रहा आपका dt बटा 1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, t का स्क्वायर, यही बच रहा है ना, dt बटा 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। तो अब बताइए ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो अब 1 बाय a जब लिखेंगे तो लिख लेते हैं, 3 बाय 2 रूट 2 को रहने देते हैं क्योंकि बाहर था है ना, इसका जब लिखेंगे 1 बटा a, तो a कितना है, a तो 1 ही है ना, tan इनवर्स का tan इनवर्स x बाय a, x कितना लिखते हैं t, अब बटा a कितना 1 प्लस क्या हो जाएगा c। तो अब बताइए ये 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये बनेगा 3 अपॉन 2 रूट 2 और tan इनवर्स का tan इनवर्स है ना, t को क्या लिखेंगे, t जो हमने माना हुआ है उसी को लिखेंगे, t हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर 2 और x स्क्वायर, तो t के जब लिखेंगे कितना रूट अंडर 2 और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा c, और ये जो आपका बनेगा पूरा, ये बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, जो हमारा 7.4 एक्सरसाइज का 5वां नंबर क्वेश्चन था। कैसे किया हमने, आपको आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी, कैसे हमने क्वेश्चन को सेट करने के लिए यहाँ पे 2 को रूट 2 सेट किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बनाया, टी माना और फिर जहां जो वैल्यू चाहिए था वहां पे हमने लगाया और फिर आपके सामने आपका आंसर दिख रहा है। तो आराम से इसे नोट कर लें या फिर इसे स्क्रीनशॉट कर लें, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस इसका पावर 6। ठीक है, आपको अगर आपको मेरी सारी क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, अगर आपको क्लियर हो रहा हो सारा कंसेप्ट, फॉर्मूला वाइज कैसे टी मानते हैं, क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को, और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो अगर डाउट आते हैं तो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 6, इसको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन कुछ वैसे ही है ना, तो बिना एडजस्ट किए हुए क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा है ना, इसके लिए आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन एडजस्ट होगा, कौन से फॉर्मूले पे जाएगा, तो जरा देखिए, जरा देखते हैं कैसे सेट होगा है ना। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर नीचे आ जाइए, 1 है तो 1 का स्क्वायर बनाते हैं, इसको 6 है तो अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था इसको क्यूब किया था और क्यूब का स्क्वायर कर दिया हमने, इससे पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने बनाया था जहां x का पावर 6 था, तो अब क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 6 बन जाएगा, 3 दूना का 6, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अब फॉर्मेट कैसा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है कि नहीं, तो अब एक्स क्यूब को मान लेते हैं टी, एक्स क्यूब को माना हमने टी, डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू dt बटा dx बनेगा ना। अब dx का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा dt अपॉन 3x का स्क्वायर। चले बढ़ते हैं आगे, देखिए यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, dx का वैल्यू निकाल लिया dt अपॉन 3x स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास ऊपर में एक्स स्क्वायर है ना, और नीचे में लिखा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बना रहेगा, और यहाँ पे दिया है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू को माना हमने टी, तो ये क्या बन जाएगा, टी का स्क्वायर, और बाकी डीएक्स के जगह क्या लिखना है, डीएक्स हमने निकाला हुआ है डीएक्स डी टी बटा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से आपका क्या कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा है कि नहीं, तो बचा क्या, 3 है तो 3 हम निकाल लेते हैं बाहर, 1/3 आपका बाहर आ जाएगा आएगा, और यहाँ पे आएगा डी टी अपॉन 1 का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बनेगा और माइनस हो जाएगा आपका टी का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला को हम जरा आपको याद कराते हैं है ना, बिना फॉर्मूला के याद किए आपसे क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, यही सूत्र होता है, ये आपका होता है 1/2 log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है कि नहीं,
ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे करेंगे अप्लाई। तो जरा देखिए, वन बाई थ्री को वन बाई थ्री रखते हैं, है ना। अब वन बाई टू ए है, तो वन बाई टू तो क्वेश्चन वाला है, तो वन बाई टू ए, ए कितना है वन, तो ए लिख दिया हमने वन, लॉग है तो लॉग लगा देंगे, है ना। एक्स प्लस ए या फिर ए प्लस एक्स, तो ए कितना वन, अब वन प्लस क्या लिखेंगे, एक्स क्या है हमारे पास टी है, और नीचे में कितना होगा वन माइनस एक्स, यानी वन माइनस कितना टी, और प्लस क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूले को हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस क्या सी। अब जहां पे टी है वहां पे हम टी को पुट कर देंगे, क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सूत्र होता है, वन बाई टू लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, तो अब वन बाई थ्री का गुना करके कितना बन जाएगा, ये वन बाई सिक्स बन जाएगा, लॉग है तो लॉग, वन को वन रहने देंगे, टी को क्या लिखेंगे, जो हमने माना है, क्या माना है, एक्स क्यूब माना है, तो वन प्लस क्या बनेगा एक्स क्यूब, और नीचे में क्या है वन माइनस एक्स क्यूब, और ये आपका सी लग के चल जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर। तो आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आई होगी, आराम से इसे नोट करें, हम आपको समय देते हैं, फिर हम रफ करेंगे, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। तो देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे बोर्ड पे, है ना। हालांकि स्क्रीन है नहीं, है ना, आप जानते होंगे स्क्रीन क्या होता है, स्क्रीन तो एलईडी वाला होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा बोर्ड है, हमारा बोर्ड ही यहाँ पे स्क्रीन है, है ना। समझते हैं क्वेश्चन को, सेवन क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा समझिएगा जरा सा, है कि नहीं। x माइनस वन लिखा हुआ है, तो नीचे में भाग है, तो दो आपको ऊपर में दिख रहे हैं, x दिख रहा है और एक वन दिख रहा है, तो क्या करते हैं भाग लगा देते हैं। भाग लगाने का मतलब यहाँ पे x में भाग लगा देते हैं इस पूरे का, तो पूरे का भाग मारेंगे तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। और इसको पार्ट वाइज कर देते हैं, पार्ट वाइज मतलब अलग अलग, ठीक है। एक्स में भाग लगा दिए इसका, ये बन गया, अब वहां पे क्या है माइनस वन है, तो माइनस लाइए बाहर, है ना। अब वन के बट्टा में कौन चला आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये डी एक्स। तो ये हमारे दो क्वेश्चन बन गए, एक ये पार्ट और ये हमारे पास दो पार्ट। अब दोनों को अलग अलग क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे, इसको मान लेते हैं पार्ट वन और इसको मान लेते हैं पार्ट टू, क्योंकि हमने इसको कर दिया है अलग अलग। तो अब जब पार्ट वन पार्ट टू हमने इसको कंसिडर कर लिया है, तो अब आराम से इसको हम लोग डील कर सकते हैं, है कि नहीं। सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ए क्या लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना ले, तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली बन जाएगा क्योंकि फॉर्मूले पे ही सेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बनने वाली कोई बात नहीं दिख रही है, तो नहीं दिख रही है तो देख लेंगे, है ना, कैसे सेट किया जाएगा। चलिए लगाते हैं दिमाग, अंदर में लिखा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, पूरे को मान लेते हैं टी, एक्स स्क्वायर माइनस वन को मान लेते हैं टी, और टी नहीं मान के मानते हैं टी स्क्वायर। जैसा कि आप पीछे पढ़े होंगे सब्स्टिट्यूशन में, कोई भी वैल्यू अगर रूट में लिखा होता है तो हम उसको टी स्क्वायर मानते हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको आसानी हो, ठीक है। तो अब जब टी स्क्वायर माना, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये बनेगा टू एक्स, वन का जीरो और टी स्क्वायर का कितना टू टी इंटू डी टी, और बट्टा में क्या आएगा डी एक्स आएगा, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बटा डी एक्स ही होता है। आप देख सकते हैं यहाँ वाला टू इस टू को काट देगा, तो बचेगा क्या आपके सामने, इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो बनेगा आपको x dx इक्वल टू t dt बनेगा ना। अब dx का मान निकाल लिया जाए, तो dx का मान आएगा आपको t dt अपॉन में कितना t dt अपॉन में आपको आ जाएगा x, आएगा ना t dt अपॉन में आपका आ जाएगा x। तो ये हमारा आ गया किसका वैल्यू, dx का वैल्यू, चलेगा। dx का वैल्यू हमने निकाल लिया t dt अपॉन x, कैसे, अंदर वाले वैल्यू को टी स्क्वायर माना, डिफरेंशिएशन किया टू एक्स, वन का जीरो, टी स्क्वायर का टू टी इंटू डी टी बटा डी एक्स, और जहां जहां जो था हमने इस्तेमाल कर लिया है, यहां से टू से टू कट गया, एक्स डी एक्स क्रॉस किया इधर से, बच गया टी डी टी, यानी डी एक्स का मान आ जाएगा टी डी टी बटा एक्स। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब पहले पार्ट में क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स है, तो एक्स को एक्स रखिए, नीचे पूरे को माना हमने टी स्क्वायर, तो पूरे को टी स्क्वायर माना है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा, पूरा को अंदर वाले को हमने क्या माना हुआ है टी स्क्वायर, देख लो एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी स्क्वायर माना, तो रूट में टी स्क्वायर आ जाएगा। डीएक्स के जगह पे क्या आएगा आपके सामने, डी टी टी डी टी, और नीचे में एक्स, तो आप देख सकते हैं ये वाला एक्स इसको काट देगा, बचेगा क्या आपके सामने, केवल और केवल बचेगा डी टी, और नीचे में साथ में डी टी नहीं, बेसिकली टी डी टी बचेगा ना,
टी डी टी, और टी स्क्वायर रूट में से क्या निकल के आएगा, एक टी निकल के आएगा, ये टी इस टी को काट दिया तो बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो होता है केवल होता है टी प्लस क्या सी, यही ना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी जो होता है टी प्लस सी आपका हो जाता है। तो टी का मतलब क्या, इस पूरे को माना हमने टी स्क्वायर, तो टी का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका वैल्यू लिख दीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का वन प्लस क्या हो जाएगा सी, और अगर कोई वैल्यू यहां से बाहर हमारे पास निकलने वाला नहीं है तो ये आपका बन जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये तो बन गया पार्ट वन हमारा क्लियर, इसको समीकरण हमने वन माना था, वन ही लिख देते हैं, ठीक है। टू की तरफ देखें तो टू वाला क्या है, वन अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे, टू वाला जो है सूत्र होता है, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कितना सी, ये आपका सीधे फॉर्मूला पे सेट होता है, कैसे, ये इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमने लगा दिया फॉर्मूला, अब वो बन गया पार्ट टू। आंसर में क्या बोल रहा है, पार्ट वन में से पार्ट टू को क्या करना है, माइनस कर देना है, तो पार्ट वन में से पार्ट टू को कर देते हैं माइनस, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इसको हमने डायरेक्टली इधर फॉर्मूले वाइज तोड़ दिया है। तो पार्ट वन क्या था, पार्ट वन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वन, और बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, और लॉग है तो लॉग लिखेंगे, और मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस वन प्लस कितना हो जाएगा सी, और ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे, है ना। अगर आपको जो भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमको डाउट है, समस्या है। अगर आपको मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट करना है, आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप जो भी डाउट आते हैं आपके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आराम से इसे नोट कर लें और या फिर इसे स्क्रीनशॉट कर लें, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस ए का पावर 6। ऐसे क्वेश्चन हमने अभी तक दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर लिया है, है ना। ये क्वेश्चन भी सेम उसी जैसा है, तो लगाएंगे दिमाग इसमें भी हम लोग, कैसे टी मानेंगे, किसको स्क्वायर सेट करेंगे, चलिए जरा देखते हैं, सेट करके प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर, तो पहले लिख देते हैं स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर नीचे में क्या आएगा, रूट अंडर एक्स का पावर 6 है, तो एक्स का पावर 6 को लिखते हैं एक्स का क्यूब और उसका स्क्वायर, क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमको तो स्क्वायर बनाना है, तो हमने लिख दिया एक्स का पावर क्यूब और उसका स्क्वायर। अब ए का पावर 6 है, तो ए का पावर 6 को भी वैसे लिख देते हैं, ए का पावर 6 को क्या लिखेंगे, ए का क्यूब और उसका क्या, स्क्वायर, चलेगा। ए का पावर 6 को हमने लिख दिया ए का क्यूब और उसका हमने लिख दिया एक्स, उसका स्क्वायर हमने बना दिया। तो अब जरा बताइएगा क्या किया जाए, कुछ ना कुछ सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप करते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा सेटअप करते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया सेट, इसको किया x का क्यूब और उसका स्क्वायर, और इसको किया हमने a का क्यूब और ये स्क्वायर। तो आप जानते हैं रूट के अंदर में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सूत्र क्या होता है, लॉग और मोड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन ऊपर में एक्स स्क्वायर है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से एक्स क्यू को टी मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं एक्स क्यू को मान लिया हमने टी, डिफ्रेंसिएशन करें, 3x² = dt/dx आएगा। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, dx का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा, dt/3x², ये हमने बहुत बार कर लिया है तो आप समझ सकते हैं ये कैसे आ रहा है ना, dx का वैल्यू आ जाएगा dt/3x². चले अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर ऊपर में लिखा है, लिखने दीजिए, ठीक है, रूट अंडर इसको माना हमने t, तो ये बनेगा t का स्क्वायर, और प्लस इसको हमने मान लिया a क्यूब और इसका स्क्वायर, चलेगा, a क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हमने लिख दिया, लेकिन dx के जगह पे, क्वेश्चन में dx छूटा हुआ है ना, dx के जगह पे क्या आएगा, dx के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं कितना वैल्यू, dt/3x², तो यहाँ पे देख लीजिए dx के जगह पे आ जाएगा dt/3x². आप देख सकते हैं स्क्वायर से आपका स्क्वायर कट गया, 3 जो है वो बाहर आ जाएगा उठ के, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt/√ कितना t का स्क्वायर प्लस ये आपका बनेगा a क्यूब का स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, हमने क्या किया,
डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। अच्छा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, 3000 जो था कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल लिया हमने, बचा क्या ऊपर में डी टी और नीचे में टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सूत्र हम लोग जानते हैं, 1/3 का 1/3 रखेंगे, लगाएंगे लॉग मॉड ऑफ टी प्लस रूट अंडर, क्या लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस कितना ए क्यूब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी। अब 1/3 रहेगा, लॉग है तो लॉग रहेगा, टी को क्या माना हमने एक्स क्यूब माना ना, यहाँ पे टी को माना हमने एक्स क्यूब, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे टी के जगह पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर। ये जो होता है आपको पहले भी मैंने बता चुका है कि ये टोटल का टोटल अंदर का जो क्वेश्चन होता है नीचे वाला वही हम इसको लिखते हैं। तो ये कितना बनेगा एक्स का पावर छ प्लस ए का पावर छ प्लस कितना हो जाएगा सी, और आपके सामने आपका आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी डाउट हो, आप मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और आपकी कोई भी क्वारी हो, आप क्वेश्चन से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव पूछना हो, जो भी आपको डाउट हो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले चाहिए इससे रिलेटेड तो फॉर्मूले मैसेज कर सकते हैं कि हमें फॉर्मूले की ज़रूरत है, फॉर्मूले हमें सेंड करें तो फॉर्मूले भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिख रहा होगा, है ना। अब आ गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना। तो भागिए नहीं डर के, इसका भी हम लोग सोल्यूशन रखे हुए हैं, कैसे इसका क्वेश्चन करते हैं, है ना। बस आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं जरा सा क्या किया जाए। मान लेते हैं यहाँ पे टेन एक्स को टी, टेन एक्स को क्या मान लिया टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स होगा ना। अच्छा, क्वेश्चन को सेट किया जाए, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर आने देते हैं। अच्छा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किसका वैल्यू निकाल लें, डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा डी टी बटा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी एक्स के जगह पे क्या पुट कर देते हैं डी टी बटा सेक स्क्वायर एक्स पुट कर देते हैं, और नीचे क्या था आपका रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन एक्स को क्या माना है टी, और ये स्क्वायर हो जाएगा, और फोर किसका होता है दो का आपका स्क्वायर होता है। आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर से क्या होगा सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आसान सा क्वेश्चन था, है ना। डी टी अपॉन बन जाएगा रूट अंडर कितना टी स्क्वायर प्लस कितना दो का स्क्वायर। सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या लॉग ऑफ टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस कितना सी। अब जहां जो वैल्यू होगा जिसकी जहां जरूरत है वहां पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा लॉग का लॉग, है ना। टी के जगह पे क्या पुट करेंगे टेन एक्स प्लस रूट अंडर, यहाँ पे बनेगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे फोर प्लस कितना सी। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो आप इसे नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और फिर फिनिश करेंगे हम आज का सेशन। तो चलते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और यहीं पे करेंगे हम ड्रॉप। आने वाले जो बचे क्वेश्चन होंगे वो अगले लेक्चर में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इसको कैसे करेंगे समझिएगा। डी एक्स अपॉन रूट अंडर, अब यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगाना होता है, दिमाग क्या लगाना होता है यही आपको सोचना है, क्या हम लोग दिमाग लगाएंगे समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है द्विघात समीकरण जैसा, है ना। तो हम ट्राई करेंगे कि फॉर्मूला द्विघात पे ही हम लोग सेट कर पाए, या तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर बना लें या फिर ए माइनस बी द होल स्क्वायर हम इसको बना लें। तो ट्राई वही करेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो हम इन दोनों को पकड़ते हैं, किसको ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है इसी को पकड़ेंगे, और इसमें से हम किसी एक को एक्स मान लेंगे ए मान लेंगे और किसी को बी मान लेंगे और अपने हिसाब से इसको ट्राई करेंगे। तो अब चलिए हम एक्स को ए मानते हैं और इसको लिखते हैं x का स्क्वायर, यानी हम लोग जानते हैं a का स्क्वायर, और सूत्र में होता है 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर, कब जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सॉरी a प्लस b द होल स्क्वायर बनाना होता है, है ना, ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी प्लस दिखे तो ट्राई करें, कोशिश करें कि हम क्या बनाएं a प्लस b द होल स्क्वायर। तो अब हमने बनाया एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस सूत्र वाला 2, ए क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए क्योंकि हमने ए स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बी अपने हिसाब से सोचेंगे कि बी क्या रखा जाए, तो अब बी क्या रखें कि यहाँ पे टू एक्स ही रहे, टू एक्स ही रहे तो बी क्या रखा जाए, तो बी हम रखेंगे 1, क्यों क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टू एक्स का टू एक्स बना रहेगा।
अब हमने तो लिख दिया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, लेकिन बी स्क्वायर भी तो हमको लिखना पड़ेगा, बी स्क्वायर भी तो लिखना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर लिख दिया। अब वन को हमने एक्स्ट्रा लिखा है, तो अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा लिखते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमने ए स्क्वायर माइनस कर दिया। अब प्लस का जो टू था वो भी हम लोग जो क्वेश्चन का था वो हमने लिख दिया यहाँ पे। ये समझ में आया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, यहाँ से जो यहाँ तक बनेगा बनेगा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए जरा सेट कर लेते हैं, है ना, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट अंडर क्या बनेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस का टू माइनस का वन कितना बनेगा, प्लस का वन बनेगा, नहीं बनेगा, प्लस का टू माइनस का वन आपका बन जाएगा प्लस का वन। ठीक है, अच्छा बढ़े आगे, अब आगे चलते हैं। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये वन हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ पे, टू और माइनस वन वन हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे हम लोग क्या, टी मान लेंगे, किसको, एक्स प्लस वन को, एक्स प्लस वन को मान लेते हैं टी। जब इसको टी मानेंगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा डी एक्स और ये बनेगा कितना, सॉरी डी एक्स नहीं बनेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा वन और ये बनेगा डी टी डी एक्स बट डी टी बट्टा डी एक्स, है ना। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपको, डी एक्स निकल जाएगा, डी एक्स किसके बराबर, डी एक्स हो जाएगा आपका डी टी के बराबर। अब क्वेश्चन पे लाके इसको पुट कर देंगे, तो कहाँ क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन है डी एक्स, तो डी एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा डी टी और नीचे में एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन के स्क्वायर को लिख देंगे टी का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, वन का स्क्वायर। सूत्र हम लोग पढ़े हैं, सूत्र क्या पढ़ा हमने, सूत्र हमने पढ़ा है लॉग ऑफ टी प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स किसको दिखा रहा है आपको, टी को, यानी टी स्क्वायर प्लस किसका, वन का स्क्वायर प्लस कितना सी। अब टी किसको माना हमने, एक्स प्लस वन को, अब जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ मान लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, लॉग का लॉग यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वन प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, क्वेश्चन ही होता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस कितना टू प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप आराम से क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे कैसे हमने किया है तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आराम से इसे नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मिलेंगे आपको आने वाले लेक्चर में, जहां हम अगले लेक्चर में करेंगे आपका 9 से लेकर यानी 10 से लेकर आगे के ऑनवर्ड्स क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। हमारे चैनल आप हम आपको प्रीमियर क्लास में डेली आपको दोपहर में 1 बजे आपकी क्लासेस जो है प्रीमायर होगी, आप 1 बजे वीडियो मेरा देख सकते हैं, प्रीमायर क्लासेस में लाइव देख सकते हैं, लाइव हमसे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन आने वाले लेक्चर में और आगे का डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।